हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पेन बाय जय में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को सिंपल गुणनखंड निकालने की विधि आपको बताई थी। इसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, आपको जान लीजिए चर और अचर। चर में मान लीजिए आपका जो संख्याएँ आती हैं, जैसे 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएँ हों, और अचर में जैसे मान लीजिए ABCD, XYZ, चाहे जो भी आता हो। तो हम आपको आज कुछ उस दिन से अलग गुणनखंड बताने जा रहे हैं। तो देखिए आप वीडियो को, हमारे देखिए आपका सवाल दिया हुआ है 2x² + 12x + 16 = 0। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए जैसे आप लोगों का दिया हुआ है 2x² + 12x + 16 = 0। इसको हम सब लोग हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इस वाली संख्या का इसमें गुणा करते हैं, कितना जाएगा 16 × 32। अब आपको हमने बताया था सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालते हैं, क्या हो जाएगा 16 × 32, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। यानी हमने आपको बताया था कि इस गुणनखंड में गुणा करने पर उसका मान 12 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर भी उसका मान क्या आ जाए, सॉरी गुणा करने पर उसका मान 32 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर उसका मान 12 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 × 4 × 8, ठीक। तो क्या जाएगा आपका 2x² + 8 × 32 हो जाएगा 8x + 4x + 16 = 0। देखिए इसमें भी दो यक्ष कामन है, 2x कामन कर लीजिए, क्या बचेगा आपका x + 4। इसमें +4 कामन कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका x + 4 दोनों में क्या है कामन है, कामन कर लीजिए x + 4 = 0, 2x + 4, ठीक। अब देखिए बराबर के 0 दिया हुआ है, आप चाहें तो अलग अलग इसका मान निकाल लीजिए, x + 4 = 0, x का मान क्या हो जाएगा -4, और यहाँ से निकाल लीजिए 2x + 4 = 0, 2x = क्या हो जाएगा -4, x का मान क्या हो जाएगा -2। चलिए आप अगले वीडियो देखिए, आपको अगली वीडियो दिया हुआ है 3x² + 14x + 16 = 0। सबसे पहले आप इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 16 × 3 = 48, 48 का आप एलसीएम निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 24 × 48 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, यानी 2 × 4 = 8, 9 × 16 = 48। अब आप ऐसी संख्या इसमें लीजिए कि इसका गुणा करने पर मान 48 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर इसका मान क्या आ जाए 14। तो क्या आ जाएगा 8 × 6 = 48 और 8 × 6 = 14। तो लिहाज कीजिए इसको 3x² + 8x + 6x + 16 = 0। अब इसको आप चाहें तो इधर उधर कर लीजिए, 3x² + 6x + 8x + 16 = 0। देखिए इसमें 3x, इसमें 3x दिया हुआ है, कामन कर लीजिए, तो क्या बचेगा आपका x + 2, प्लस इसमें 8 कामन कर लीजिए, क्या बचेगा आपका x + 2 = 0। x + 2 दोनों में कामन है, तो x + 2 कामन कर लीजिए, इसमें क्या जाएगा आपका 3x + 8 = 0। तो अलग अलग मान निकाल लीजिए इसका, x + 2 = 0, x = क्या हो जाएगा -2, यहाँ से निकाल लीजिए 3x + 8 = 0, 3x क्या जाएगा -8, तो x का मान क्या हो जाएगा -8/3। अब देखिए थोड़ा इससे अलग सवाल दिया हुआ है तीसरा आपका, 5x² - 28x + 32 = 0। सबसे पहले आपको हमने बताया था
इसका इसमें गुणा करते हैं तो 32 5 कितना हो जाएगा, 115 × 10 15 × 15 = 160। 160 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, 2 8 16 80, 2 40 20 10 5 5, 2 × 4 × 8 9 16 × 32 5 160। अब देखिए इसमें हम ऐसा क्या संख्या लें कि इसका मान 28 आ जाए जोड़ने घटाने पर और गुणा करने पर 160, तो 20 × 160 कर लीजिए, 5x² - 20x - 8x + 32। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 20 और 8 - 20 दिया है और -8 - 20 में -8, अब जोड़ेंगे क्या होगा -28, लेकिन -20 में -8 गुणा करने पर क्या होगा +160 होगा। ठीक, तो आप इसके समझने का प्रयास कीजिए, 5 का 5x का 1 कर लीजिए, क्या बचेगा आपका x - 4 - 8 कॉमन कर, तो क्या x - 4 = 0, x - 4 दोनों में कॉमन है, बचा क्या आपका 5x - 8 = 0, तो x - 4 = 0, एक तरफ हो जाएगा 4, अलग कॉमन कर लीजिए 5x - 8 = 0, तो 5x = 8, तो x = 8 / 5। तो दोस्तों इस वाले सवाल को आप हल करके इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।